क्या आप जानते हैं भारत में सबसे पहला आधार कार्ड किसका बना था? नहीं पता है तो आज के इस वीडियो में आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं। वर्तमान में देश के लगभग 90% लोगों के पास अपना आधार कार्ड है। देश की जनसंख्या 135 करोड़ से ज्यादा है। अब करोड़ों लोगों में सबसे पहला आधार कार्ड किसका बना होगा, इसका अंदाजा लगा पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन कुछ रिपोर्ट की माने तो इसमें आपको पहले आधार कार्ड के बनने की जानकारी मिल जाएगी। भले ही आधार कार्ड अब आपकी जरूरत बन गया है, लेकिन पहले के समय आधार कार्ड के स्थान पर वोटर आईडी का प्रयोग किया जाता था। चलिए आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए आपको बता देते हैं सबसे पहला आधार कार्ड किसका बना। हम सभी को पता है कि आधार कार्ड की शुरुआत यूपीए सरकार में हुई थी, लेकिन इसको बनवाने की जरूरत इसके लॉन्च के कुछ साल बाद पड़ी, जब देश के कई जरूरी सरकारी कामों के लिए आधार कार्ड को जरूरी कर दिया गया था। अब शायद ही ऐसा कोई सरकारी काम होगा जिसमें आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती हो। बैंक में खाते खुलवाने से लेकर किसी सरकारी नौकरी में आवेदन करने तक सभी कामों में आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। पहला आधार कार्ड पाने वाला कोई आदमी नहीं बल्कि महिला है, जिसका नाम रंजना सोनावाने है। पहला आधार कार्ड पाने वाली महिला रंजना गाँव में रहती है। इनका गाँव तेंबली पुणे से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर दूर दराज इलाके में है। आपको बता दें, जब इनको साल 2010 में आधार कार्ड मिला था, तब ऐसा लग रहा था कि इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि कुछ समय के लिए रंजना और इनका गांव सुर्खियों में बना रहा, लेकिन आज भी इनके गाँव के हालात पहले जैसे ही है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब रंजना के बारे में जाना तो रंजना बताती हैं कि साल 2010 में नेता गांव आए, उनको और गांव वालों को आधार कार्ड देकर फोटो खिंचवाई और चले गए। इसके बाद उनसे कोई मिलने नहीं आया। आज गांव और उनके हालात जस से तस हैं। भले ही रंजना सोनावाने काम की तलाश में भटकती रहती हैं, लेकिन अब उनकी एक अनूठी पहचान है। वह आधार कार्ड पाने वाली पहली महिला है। रंजना दिहाड़ी और मजदूरी करती हैं और गांव के मेले में खिलौने बेचने का काम करती हैं। तो दोस्तों, अब आप सभी लोग जान गए होंगे भारत में सबसे पहला आधार कार्ड किसका बना था। आधार को सरकारी योजनाएं, बैंकिंग और बीमा जैसी सुविधा के लिए बनाया गया था, लेकिन आज हर काम में इसकी जरूरत पड़ती है। कांग्रेस सरकार ने आधार कार्ड परियोजना शुरू करने के लिए उत्तर महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के तेंबाली गांव का चयन किया था। इस तरह यह गांव भी आधार के शुरुआती दिनों में काफी सुर्खियों में बना था। दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपका आधार कार्ड कौन से साल में बना था। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद।